भारत की कई ऐसी जगहें हैं जो अपनी खूबसूरती और खान पान के लिए जानी जाती हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी भी जगहें मौजूद हैं जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर हैं। तो चलिए जानते हैं भारत की पांच सबसे डरावनी जगहों के बारे में। नंबर एक, भानगढ़ किला राजस्थान। राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है। भानगढ़ शहर में बने इस किले को लेकर लोगों की कई अलग अलग मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ एक जादूगर था जिसने इस किले को श्राप दिया था, जिसकी वजह से यह किला खंडहर बन गया और अब यहाँ लोगों को कई अलग अलग चीजें महसूस होती हैं। बता दें कि इस जगह पर किसी भी पर्यटक को सूर्यास्त के समय जाने की अनुमति नहीं है। नंबर दो, अग्रसेन की बावली दिल्ली। राजधानी दिल्ली का मशहूर पर्यटन स्थल अग्रसेन की बावली भी भारत की हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में शामिल है। कई लोगों का मानना है कि इस बावली में मौजूद काले पानी से लोग हिप्नोटाइज हो जाते थे और आत्महत्या कर लेते थे। इतना ही नहीं, कई लोगों का ऐसा मानना है कि उन्हें यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर तीन, जीपी ब्लॉक मेरठ। मेरठ के कैंट एरिया में बने इस बंगले में रात तो दूर लोग दिन में जाने से भी कतराते हैं। साल 1950 में खाली पड़ा यह बंगला अब खंडहर बन चुका है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि उन्होंने इस बंगले में किसी महिला को घूमते देखा है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ चार पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे देखा है। इस बंगले से जुड़ी इन कहानियों की वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। साथ ही मेरठ प्रशासन ने भी इस जगह के अंदर जाने से रोक लगाई हुई है। नंबर चार, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। अपनी दुर्बल किताबों के लिए मशहूर कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी अपने डरावनी किस्सों के लिए काफी मशहूर है। भारत की आजादी से पहले यह लाइब्रेरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का आधिकारिक आवास हुआ करती थी। यहाँ आने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि इस जगह पर कई अदृश्य शक्ति मौजूद है। साथ ही कुछ लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देने का भी दावा किया है। यही वजह है कि कई गार्ड्स यहाँ नाइट शिफ्ट करने से मना कर देते हैं। नंबर पाँच, मुकेश मिल्स मुंबई। मुंबई के कोलाबा समुद्र के पास मौजूद मुकेश मिल्स भी अपने डरावनी किस्सों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। हालांकि यह जगह अपने भूतिया कहानियों के लिए काफी मशहूर है।